अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। और आज के इस ट्यूटोरियल में और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हर फ्रीलांसर की ये ख्वाहिश होती है कि वो बहुत मेहनत करे और मेहनत के बाद उसे कोई ना कोई उसकी रिज़ल्ट आपको हासिल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिले तो आपको पैसे मिलनी चाहिए, या अगर आप किसी डिज़ाइन पर काम करते हैं तो आप उसको इतनी मेहनत करते हैं कि आखिरी में आपको रिज़ल्ट मिलनी चाहिए। लेकिन फ्रीलांसर में एक बहुत बड़ी स्कैम, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि वो क्या है, और आप उस इस तरह के जो स्कैम है फ्रीलांसर में, आप किस तरह बच सकते हैं या किस तरह जान सकते हैं कि ये स्कैम है, इसके बारे में मैं कंप्लीट बात करूंगा। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगा इन फ्यूचर जब आप काम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। तो चलो जाते हैं हमारे पास फ्रीलांसर वेबसाइट पर डायरेक्टली। हमारे पास यहाँ पर एक लोगो डिज़ाइन है, ठीक है, जिसकी कॉन्टेस्ट में प्राइस भी है 340 और ये सील्ड है, मतलब कोई नहीं देख सकता। और ये रिसेंट ही हम लोगों ने, मैंने तकरीबन इसमें डिज़ाइन किया था, ठीक है। मुझे इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा था कि आप चेक कर सकते हैं। और इसकी प्राइस भी अच्छा खासा, मतलब आप 340 जो GBP का है, ठीक है, पाउंड का है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा इसमें रकम लगाया हुआ है। तो इस चीज़ ने मुझे कंपेल किया कि मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लूं। तो एक और चीज़ इस कॉन्टेस्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें अवार्डेड है, ठीक है, अवार्डेड है, बड़ी बहुत बड़ी स्कैम भी है इसमें, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या है कि द साइट ही इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग बाइंग एंड एक्सचेंजिंग क्रिप्टो, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी का कोई कंपनी है जो लोगो बनाने की कोशिश करना चाहता है। तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप URL यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप कॉन्टेस्ट नंबर में जाके चेक कर लें ये कॉन्टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे आप कॉन्टेस्ट की जो इंट्री है नहीं देख सकते क्योंकि ये सील है, यहाँ पर लॉक लगी हुई है। क्योंकि मैं ख़ुद मौजूद हूँ तो मेरा इंट्री जो है 4-star है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप आएंगे इसमें आप नहीं देख सकते क्योंकि मैंने इसको अपलोड किया है, इस वजह से मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। मसला क्या है कि यहाँ पर तकरीबन 950 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, इंट्रीज़ इसमें मौजूद हैं। और इसकी जो क्लाइंट की जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छा खासा ज़बरदस्त है, अच्छा खासा इसने दिया हुआ है। और मेरा जो 15वां, मतलब मैंने जब इसको पढ़ा था इसमें 15 नंबर का मेरा इंट्री नंबर है, मैंने डाल दिया तो इसने क्या किया, 4-star दिया डिज़ाइन को। डिज़ाइन तकरीबन इसके डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और तकरीबन यहाँ पर हमारे पास ये जो विनर है 3 हैं, और इसमें 2 जो है आपका क्या है, 3 जो है एक बंदा है, यानी कि 3 बंदों का इसमें कंपटीशन था इंक्लूडिंग मे, ठीक है, मेरा और 2 और बंदों का। लेकिन ये जो ये है दीपनकार, इसका मैं प्रोफाइल चेक करता हूँ पहले, ठीक है, इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं क्या ये कौन सा बंदा है, क्या सही है नहीं है। तो ये बंदा जो है इसकी तकरीबन 48 रिव्यूज़ है, 5.7 इसकी अर्निंग है 2017 में, इसके जून में इसने क्या किया है, इसमें ज्वाइन किया है, तो लिहाजा ये अथेंटिक है। और इसकी जो कंट्री है बांग्लादेश है, ठीक है, लोगो डिज़ाइनर है, बिज़नेस कार्ड है, जो भी है यहाँ पर सब कुछ इसका दिया हुआ है। मतलब रिव्यू में भी आप देख सकते हैं कि इसकी रिव्यू भी बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 5-star है। और अभी एक विनर की हम लोग चेक करते हैं कि इसकी क्या सीन है, मेन पॉइंट क्या है इस विनर की इंट्री में ही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि विनर की इंट्री आप देखेंगे, इसकी लोगों की डिज़ाइन भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है जो कि डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हो, वीडियो जो भी डिस्क्रिप्शन इसने दिया है, ठीक है, इसके मुताबिक हो, ये है, ठीक है, जो काफ़ी। अभी इस पर एक बार जाते हैं, जाके देखते हैं कमेंट क्या है, ठीक है।
क्योंकि डिस्क्रिप्शन अजीब गरीब है तो कमेंट भी यहाँ पर लोगों का बहुत ही सरप्राइजिंग आया है, तो इसका देख ले दिया है। कांग्रेचुलेशन एक बंदे ने कहा है, नथिंग अंडरस्टैंड, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि डिस्क्रिप्शन और इस डिज़ाइन का तकरीबन हमारे पास ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सीरियसली इसने कहा है, क्या सीरियसली आप ये डिज़ाइन चाहते हो? व्हाट इज़ दिस दिस लोगो, दिस इज़ लोगो द ब्रांड आइडेंटिटी वांट द, जो भी है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम लाइफ, इसका मतलब भी वही है कि क्या है ये ही। ऑल्सो द कॉन्टेस्ट वॉज डुप्लीकेट बट विद डिफरेंट नेम बट एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। देखिए इस बंदे ने एक और कॉन्टेस्ट इसकी जो कमेंट में, इसकी कमेंट पर गौर करें तो नॉट अ डमी अकाउंट, द क्लाइंट अगेन एंड अगेन डिफरेंट डिज़ाइन, दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट, लाइक यू ऑल पोस्टेड समथिंग सिमिलर वट आउट दियर, गॉट रिजेक्टेड ट्वाइस एंड गैम्बल्ड विद दिस वन एंड इट वर्क्ड। इसने इसके फेवर में कहा है, ठीक है, बट वट इज़ दैट, इट इज़ अनरीडेबल। तो इसने कहा है, अच्छा अगर आपकी ये बात सही है तो ये क्या है, ये लोगो है, स्पीचलेस, इसकी भी कोई समझ नहीं आया। अच्छा इन सारी कमेंट में, बहुत सारी कमेंट है, मैंने आपको दिखा दिया पहले, ठीक है, कि क्या है इसमें जो लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है, बंदे भी बहुत सारे हैं, 1000 के करीब हैं और इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो डिज़ाइनर है, रियल डिज़ाइनर इस तरह के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, तो वो जो विनर होते हैं और डिस्क्रिप्शन क्लाइंट के दोनों के, फिर डिज़ाइनर चेक करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँगा इस डिज़ाइनर की प्रोफाइल, ठीक है, जो क्या है अभी आप समझेंगे, फिर समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। एक तो ये है, देख ले इसकी प्रोफाइल कैसे अजीब प्रोफाइल है, जो किसी भी डिज़ाइनर का इस तरह प्रोफाइल नहीं हो सकता, जो है ये प्रोफाइल जो पिक्चर है, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह नहीं हो सकता है। या उसकी पिक्चर है, या एक बहुत खूबसूरत लोगो होगा, या कोई भी कार्टून होगा जो उसकी काम को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो इसने क्या किया है, वेब डेवलपर लिखा है, ठीक है, वेब डेवलपर लिखा है, मतलब इसने डिज़ाइन में डाल दिया है। तो आई हैव 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग हैविंग टाइपिंग स्पीड। देखो क्या कह रहा है ये बंदा, कि इसका टाइपिंग स्पीड में क्या है, इसमें टाइपिंग में ये एक्सपर्ट है, ठीक है, डिज़ाइनिंग में नहीं है। तो क्या इसने मेंबर कब बनाए हैं, देख ले मेंबर सिंस नवंबर, जो आज का तारीख है वो क्या है, 29 नवंबर है, मतलब ये तकरीबन इसने एक 14 दिन या 13 दिन पहले इसने बनाया है, ठीक है। इस कंप्लीट चीज़ों का रिव्यू भी, कुछ भी रिव्यू नहीं है, और इसकी सिर्फ पेमेंट वेरीफाई है, और फ्रीलांसर जो प्रिपेयर प्रिफर्ड फ्रीलांसर ये भी नहीं है, ठीक है, पेमेंट वेरीफाइड है, फ़ोन वेरीफाई है, ईमेल इसको लाजमी वेरीफाई करना है क्योंकि उसने पैसे वापस लेना है। अच्छा बुनियादी मसला क्या है इसमें, मैं क्यों इस वीडियो को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसकी मेन वजह ये है कि ये कॉन्टेस्ट है कंप्लीट स्कैम। जो डिज़ाइनर है और क्लाइंट है, ये दोनों आईडी और अकाउंट एक ही बंदे का है। इस बंदे ने जितने भी डिज़ाइन हैं उसमें इन्होंने क्या किया, सबको कॉपी कर लिया है पहले से अपने पास, और अपनी ही अकाउंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अकाउंट इसकी सेकेंड अकाउंट है, ये जो इसने कॉन्टेस्ट पोस्ट किया है ये इसकी फर्स्ट अकाउंट है, तो ये अपनी ही अकाउंट को इसने क्या किया है, अवार्ड किया है। अभी पैसे भी ये अपने ही अकाउंट में डालेगा, मतलब डिज़ाइन भी लिया इसने, सारे लोगों की जो कॉन्सेप्ट है उसको चोरी भी किया, और इसके पैसे भी ज़ाया नहीं हुआ। ये एक कॉन्टेस्ट नहीं है, ये रिसेंटली, क्योंकि मैं रिसेंटली हर चीज़ को जो वो क्या होते हैं, बहुत ही न्यू होते हैं, मैं आपके लिए पेश करता हूँ। तो ये रिसेंटली ये केस हुआ है, जिसमें तकरीबन अगर मेरा कहे, मेरा या इसका दीपनकर का, ये हम दोनों का तकरीबन कंपटीशन इसमें था, या उसे विन करना था या मैंने विन करना था, लेकिन हम दोनों ने कुछ भी विन नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में ये कंप्लीट जो क्लाइंट है इसने प्लानिंग किया हुआ है कि प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो बहुत सारे हमारे पास क्या आएगा,
बहुत सारे हमारे पास डिज़ाइन आएंगे, तो उस डिज़ाइन में से हम अपने आप को ही अवार्ड करेंगे। जब अवार्ड करेंगे उस डिज़ाइन की हम लोग कॉन्सेप्ट और जो भी है वो हासिल करेंगे। तो ये है एक बड़ी स्कैम जो फ्रीलांसर में बहुत सारे लोग, मैंने फ्रीलांसर को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, ठीक है, फ्रीलांसर में ये ऐसा नहीं है कि आप एक कॉन्टेस्ट पर जब आप इंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इस पर रोना शुरू करूँगा कि क्या भाई ये क्या है, फ्रीलांसर ये है वो है, ये नहीं। आप देखेंगे, आप समझेंगे मतलब क्या है। ऐसी चीज़ें हर जगह होती हैं, दुनिया में बुरे लोग भी हैं अच्छे लोग भी हैं। आपका सामना अच्छे लोगों के साथ भी होगा, बुरे लोगों के साथ भी होगा, लेकिन आपने कंपटीशन करना है लाजमी, ठीक है। 50% इसमें चलो बुरे लोग हों, ठीक है, ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हो, लेकिन 50% तो अच्छे लोग होंगे ना। लेकिन इस परसेंटेज जो 50 मैं कह रहा हूँ ये कंप्लीट राइट नहीं है। मेरा करियर जो फ्रीलांसर में है वो क्या है, तकरीबन मैंने 90% अच्छे लोगों को ही फ्रीलांसर में देखा है, और 10% ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जो $1000 की जो कॉन्टेस्ट है वो क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। मतलब आपने क्या करना है, अपनी हिम्मत नहीं हारना है, आपने और डिज़ाइन डालना है, इस कॉन्टेस्ट में नहीं और कॉन्टेस्ट में, और कॉन्टेस्ट में आपने डिज़ाइन को क्या करना है, अपनी अर्निंग को और ज़्यादा करना है। तो ये हैं मुख्तलिफ चीज़ें जो फ्रीलांसर में होते हैं, जो मैं आपको बहुत सारे हमारे जो स्कैम हैं उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जब क्लाइंट कहते हैं कि आपने मुझे पहले पैसे जमा करवाना है, डिपॉजिट करवाना है, ये सिक्योरिटी है, ये है वो है, ये सारी स्कैम है, ये भी एक स्कैम की एक सूरत है। तो आप इन चीज़ों को समझें, एक्सपीरियंस करें, अपनी लाइफ को इंजॉय करें, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन आपने काम नहीं छोड़ना। जिस दिन आपने काम छोड़ दिया सोचो कि आप बस मर गए, ठीक है, उस दिन आपने काम नहीं छोड़ना है, आपने मोटिवेट होना है, आपने डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप इस तरह के लोगों की जो जो भी उम्मीदें हैं वो उस पर पानी फेर दें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट तो होते रहते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है कि ये मुझे अवार्ड किया है या नहीं है, लेकिन आप लोगों को अवेयर करना मेरी मेरा जो काम है वो आप लोगों के इल्म में इजाफा करना है। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छा लगा है, आपने कुछ यहाँ से सीखा है, तो आप थम्स अप कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो फ्रीलांसर और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ला सकें। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ जमशेद रज़ा, अल्लाह हाफिज़।